करो, बाहर करो, बाहर करो। चार सौ चौवालीस दिन हो गया आज ये बच्चे नौजवान जो सड़कों पर बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपस में बैठे हैं, ये गूंगी बहरी सरकार को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता कि छात्र संघ चूँकि नौजवानों का ये एक लोकतंत्र में अधिकार दिया गया कि वो चुनाव लड़ेंगे, छात्र संघ से निकलेंगे, लोकतंत्र की बात करेंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और इस तरह से इनको अधिकार दिया गया, उस अधिकार को अगर भारतीय जनता पार्टी छीन रही है, छात्र संघ बहाली नहीं कर रही है और 444 दिन से ये नौजवान पीढ़ी बैठी है, तो ये फिर तो माफ़ ईश्वर भी नहीं करेगा कि हम अपने नौजवानों की आवाज़ को दबा दें। एक कहावत है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ये नौजवान बच्चे हैं और ये जो सड़क यहाँ बैठ करके अपने अधिकार को मांग रहे हैं उनकी बाप की जागीर नहीं है और यूनिवर्सिटी को प्रशासन को समझना चाहिए कि छात्र संघ को बहाल करें और पूरे प्रदेश में ये हालत है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को मानती ही नहीं, लोकतंत्र में अधिकार है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को समाप्त करना जानती है, समाप्त कर रही है, तो मैं इतनी ज़रूर कहूँगी कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको हक का अधिकार है, इसलिए छात्र संघ बहाली हो और मैं अपने नौजवान बच्चों को विश्वास दिलाती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की समाप्ति होगी और आने वाले समय में माननीय 2022 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, पहली कैबिनेट में पास कराने का इसका काम करेंगे कि वो छात्र संघ बहाली करेंगे और इससे उम्मीद नहीं है क्योंकि 444 दिन हो गया। यही हाल किसानों का है, किसान कितने सड़क पर बैठे हैं, कितने लोग मर गए और जब इस लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है, जब मंत्री का लड़का, मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ा देगा क्योंकि किसान हिंदुस्तान की आत्मा है और उस आत्मा पर अगर ठेस पहुंचेगा तो फिर ये जनता माफ नहीं करेगी। सर छात्र संघ बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। लीलावती में माप का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। प्रकाश नारायण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। प्रकाश नारायण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे। लोक नारायण जय प्रकाश नारायण अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलित प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।